हिरोशी भागते हुए आते हैं और बोलते हैं कि शिनचैन कहाँ है, और शिनचैन की मोम बोलती है कि शिनचैन तो आपके साथ नहा रहा है, और डर जाती है क्योंकि शिनचैन के साथ उसके नकली डैड नहा रहे थे। फिर हिरोशी भागते हुए बाथरूम में जाते हैं और नकली हिरोशी को बोलते हैं कि तुम शिनचैन से दूर रहो, और शिनचैन अपने डैड के हमशक्ल को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। फिर रियल हिरोशी और फेक हिरोशी के बीच लड़ाई होने लगती है ये प्रूफ करने के लिए कि कौन असली है और कौन नकली। फिर फाइनली रियल हिरोशी प्रूफ कर देते हैं कि वही असली है। फिर वो नकली हिरोशी वहां से भाग जाता है। इतने में ही हिरोशी देखते हैं कि बाहर कावागुची और उसके साथ फेक लोग का ग्रुप भी होता है। फिर हिरोशी विंडो के पास जाकर बोलते हैं कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, एंड शिरो हिरोशी की तरफ देखकर भौंकने लग जाता है, और शिनचैन की मोम और शिनचैन बोलते हैं कि कहीं ये भी नकली तो नहीं। और फिर शिरो अंदर आता है और हिरोशी को कुछ ना करके शिनचैन के पास चला जाता है, और फिर सबको पता लगता है कि शिनचैन भी नकली है, और शिनचैन भी वहां से चला जाता है, और शिनचैन की मोम डरकर भागने लगती है। इतने में ही एक गाड़ी आती है और वो सीधा शिनचैन के घर के अंदर घुस जाती है, और उसमें फेक हिरोशी बैठा होता है, एंड सभी फेक लोग शिनचैन की मोम और डैड को पकड़ने के लिए घेर लेते हैं। फिर एकदम से एक बड़ी सी वैन शिनचैन के घर में घुस जाती है और उसमें से शिनचैन बाहर आता है, लेकिन उसके मोम डैड असली नकली का पता लगाने के लिए अजीब हरकतें करने लग जाते हैं, लेकिन शिनचैन को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके मोम और डैड खुश हो जाते हैं और गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, एंड फिर वो लोग वैन को रिवर्स गियर पर लगाते हैं और गाड़ी को टॉप स्पीड पे भगा लेते हैं। एंड शिनचैन के पेरेंट्स देखते हैं कि उस गाड़ी में कुछ अजीब सी मशीन्स होती हैं, और गाड़ी चला रही लड़की से पूछते हैं कि तुम कौन हो और ये क्या कर रही हो। फिर वो लड़की अपना आईडी कार्ड दिखाकर बोलती है कि तुम लोग मुझे SRI जैकलिन फिनी यानी कि जैकी बोल सकते हो। फिर अगले सीन में नैनी और बाकी सब बात कर रहे होते हैं कि अभी तक शिनचैन और कजामा वापस नहीं आए, और वो बोलता है कि कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। इतने में ही कजामा आता है और उसे बो की बहती हुई नाक दिख जाती है और बोलता है कि वो सब अंदर है। फिर उसके साथ के फेक लोग नैनी और बाकी लोगों को पकड़ने लग जाते हैं। इतने में ही शिनचैन की वैन उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो सब उसमें चढ़ जाते हैं, एंड फिर वो वैन एक बार फिर से भगा लेती है, और फिर सब लोग देखते हैं कि कासुकाबे में सब लोग नकली बन चुके हैं। इतने में ही जैकी फुल ब्रेक मारती है और देखती है कि हाईवे पर उन नकली लोगों ने बैरिकेड्स लगा रखे हैं और बहुत सारे फेक लोग वहां खड़े हैं। फिर जैकी एकदम से गाड़ी मोड़ती है और दूसरे रास्ते पर चली जाती है, पर वहां पर भी नकली लोगों ने गाड़ी अड़ा रखी होती है, एंड फिर जैकी गाड़ी को मोड़ लेती है और शिनचैन के डैड हिरोशी से पूछती है क्या तुम्हें कोई ऐसा रास्ता पता है जो कि सेफ हो। फिर बो बोलता है कि हम पहाड़ के रास्ते से दूसरे शहर में जा सकते हैं, और फिर सब लोग जाने लगते हैं, लेकिन पहाड़ों पर थोड़ी दूर तक जाने के बाद वो देखते हैं कि आगे एक क्रेन खड़ी है और उसमें योसरीन और मिची बैठे होते हैं, और वो दोनों क्रेन से उन सब पर हमला कर देते हैं, लेकिन जैनी वैन को पीछे लेने लगती है, पर पीछे से भी नकली लोग क्रेन लेकर आ रहे होते हैं। फिर अचानक से जैकी वैन को साइड में से निकाल लेती है और उन दोनों क्रेन्स की आपस में टक्कर हो जाती है, एंड शिनचैन की पूरी फैमिली बच जाती है। फिर मिची एकदम से उनकी गाड़ी पर आकर चिपक जाती है, पर वो कैसे ना कैसे करके उससे बच ही जाते हैं, एंड जैकी पहाड़ के ऊपर गाड़ी रोककर अपने हेडक्वार्टर से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है, एंड बताती है कि ये नकली लोग पूरी दुनिया में फैल चुके हैं और इन सब के पीछे अमीगो सुजुकी का हाथ है। इतने में ही शिरो जोर जोर से भौंकने लगता है और वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे नकली लोगों ने उन पर दोबारा से हमला कर दिया है, एंड जैकी वहां से भाग जाती है, पर इस बार बाकी सब लोग उनकी पकड़ में आ जाते हैं और वो नकली लोग उन्हें पकड़कर अपने सीक्रेट बेस में ले जाते हैं, एंड सभी लोग लिफ्ट से नीचे की ओर चले जाते हैं। फिर हिरोशी देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे पोटैटोस से कोई क्ले बनाई जा रही है और उसी क्ले से नकली लोगों को बनाया जा रहा है। फिर अचानक से बहुत सारे नकली लोग लेफ्ट राइट से निकल कर आते हैं, एंड शिनचैन और बाकी सबको हॉल में ले जाते हैं, एंड वहाँ पर सांबा म्यूजिक बजने लगता है और फिर सब नकली लोग अपने कपड़े उतार कर सांबा डांस करने लगते हैं, एंड अमीगो सुजुकी की एंट्री होती है और वो भी सांबा डांस करने लगती है और बोलती है कि मैं पूरे कासुकाबे को सांबा डांस करने पे मजबूर कर दूंगी, एंड ऐसे ही लोग दिन रात नाचते रहेंगे। फिर हिरोशी बोलते हैं कि तुम ऐसे किसी को भी डांस करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती हो, और अमीगो बोलती है कि तुम्हारा नाम हिरोशी है ना, तुम मेरे सबसे बढ़िया मास्टरपीस हो, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। फिर शिनचैन की मोम और शिनचैन दोनों हिरोशी की तरफ शक की नजरों से घूरने लगते हैं। फिर हिरोशी बोलते हैं कि मैं नकली नहीं हूँ, नकली हिरोशी तो भाग गया था, क्या तुम्हें पता नहीं है। पर शिनचैन की मोम उन पर विश्वास नहीं करती है, पर कैसे ना कैसे हिरोशी उन्हें यकीन दिला देते हैं कि मैं फेक नहीं हूँ। फिर नोहरा फैमिली फायर कर देती है और वही अपने अजीब से अंदाज में डांस करने लगती है। फिर अमीगो ऑर्डर देती है कि इन सबको पकड़ लो, और सब नकली लोग उनके पास जाने लगते हैं, पर इतने में ही जैकी अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाती है
और नोहारा फैमिली को बचा लेती है और सभी नकली लोगों को खत्म करने लग जाती है और बताती है कि मैं शीरो की वजह से इस जगह पर पहुंच पाई हूँ। एंड एक स्प्रे की बोतल देती है और बोलती है कि इसकी मदद से तुम नकली लोगों को पिघला सकते हो। एंड अमीगो को बोलती है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करने के लिए यहाँ पे आई हूँ, तो पहले तुम्हें ही निपटा लूँ। और जैकी भी अपने कपड़े उतार देती है। एंड अमीगो बोलती है, क्या तुम मुझे सांबा डांस में चैलेंज कर रही हो? फिर अमीगो सांबा म्यूजिक को ऑन करवाती है और दोनों में कड़ा मुकाबला चलता है। इतने में ही बाकी लोग अपने हाथों पे वो स्प्रे करके सभी बचे हुए नकली लोगों को पिघलाने लगते हैं और बाहर भागने लगते हैं, बट बाहर का दरवाजा बंद होता है। फिर अगले सीन में जैकी डांस कर करके थक जाती है और नीचे गिर जाती है। एंड नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि जैकी की टीम दरवाजा खोल देती है एंड वहाँ एक बहुत बड़ा होल होता है एंड सभी असली लोगों को फोर्स करके सांबा डांस करवाया जा रहा होता है, पर पुलिसमैन गन शॉट करके स्पीकर्स को तोड़ देते हैं जिससे कि सांबा म्यूजिक बज रहा होता है और सभी लोग नाचना बंद कर देते हैं। अगले सीन में जैकी जमीन पर पड़ी होती है और सिंचन भागकर जैकी के पास आता है और बोलता है कि मैं इसे कभी भी नहीं जीतने दूंगा एंड जैकी के सपोर्ट में बुरी बुरी डांस करने लगता है। फिर सभी लोग वहां आ जाते हैं और जैकी दोबारा से खड़ी होकर अपने खुद के सांबा स्टेप्स पर डांस करने लगती है और उसके साथ साथ बाकी सारे लोग भी सांबा डांस करने लगते हैं। ये देखकर अमीगो दुखी हो जाती है एंड फिर सब लोग सांबा को छोड़कर अपना खुद का गाना गाने लगते हैं और उस पर डांस करते हैं और गलती से अमीगो भी खुद के स्टेप्स को छोड़कर उनके स्टेप्स को फॉलो कर देती है। लेकिन अमीगो का नौकर जैकी को एक फेक गन से शूट कर देता है जिससे कि जैकी जमीन पर गिर जाती है एंड फिर सभी सोल्जर्स अपनी गन में असली बुलेट्स लोड करते हैं एंड अमीगो के स्टेज पर चलाने लगती है जिससे कि अमीगो का पूरा स्टेज टूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है और नीचे गिरने की वजह से अमीगो का मास्क टूट जाता है और सब लोग देखते हैं कि अमीगो जैकी की हमशक्ल है। पर अमीगो के खड़े होते ही उसपे से वही पोटैटो क्लेज उतरने लगती है और सबको पता लगता है कि अमीगो असल में एक आदमी है। फिर वो आदमी बोलता है कि जैकी मैं हार गया हूँ और हथकड़ी पहनाने के लिए अपने हाथ आगे कर देता है, पर जैकी उन्हें वही विसल दिखाती है जिसके बारे में मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था और बोलती है कि ये लकी सांबा विसल है पापा। एंड हिरोशी बोलते हैं कि क्या ये तुम्हारे पापा हैं? फिर जैकी और उसके पापा दोनों इमोशनल हो जाते हैं एंड जैकी सिंचन को वो विसल देती है और बोलती है कि सिंचन, क्या तुम इसे मेरे लिए बचा सकते हो? फिर सिंचन बोलता है कि चलो सभी साथ में सांबा डांस करते हैं और जोर से उस विसल को बजाता है। एंड यहाँ पर मूवी की एंड स्क्रीन आ जाती है और दिखाया जाता है कि सभी नकली लोग आसमान में जाकर बॉम्ब की तरह फट रहे हैं एंड यहाँ पर हमारी ये मूवी भी खत्म हो जाती है। सो गाइज, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना और भी अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए। एंड अपने डिमांड पर वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना। एंड यार, कब से पार्ट 3 के लिए बोल रहे थे, तो अब जो मैं इसे ले आया हूँ तो शेयर करना तो बनता ही है। सो प्लीज़ यार कर देना। तो चलो, अब मैं चलता हूँ और मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।